रशियन मेड आरपीजी 22 दे नाल हमला कीता गया। अजिहे दो आरपीजी ते दो रॉकेट लॉन्चर अजे भी पंजाब दे अतवादी स्लीपर सैलां दे कोल ने। पाकिस्तान ने ड्रोन दे राही 3 आरपीजी पंजाब दे विच भेजे सन। सो सूत्रां दे हवाले तो इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे हां कि पंजाब नूं दहलाउण दी, पंजाब दा माहौल खराब करन दी लगातार कोशिशां कीतियां जा रहियां ने। आरपीजी हमला जो तरन तारण दे विच होया उस दे विच रशियन मेड आरपीजी 22 दा इस्तेमाल कीता गया ते अजिहे दो आरपीजी ते दो रॉकेट लॉन्चर अजे भी पंजाब दे विच मौजूद ने। अतवादी स्लीपर सैल दे कोल ए आरपीजी मौजूद ने। जानकारी है कि पाकिस्तान ने ड्रोन दे राही 3 आरपीजी पंजाब च भेजे ने। जे खबर च जिन सच्चाई है ता पंजाब दे विच अजे भी माहौल बिगड़न दा पूरा पूरा खदशा बनिया होया क्योंकि दो आरपीजी हजे भी पंजाब दे विच मौजूद ने ते स्लीपर सेल दे अतवादियां दे कोल ए आरपीजी मौजूद ने। सो सूत्रां दे हवाले तो इस वेले दी वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां। तरनतारन आरपीजी हमले दे नाल जुड़ी होई खबर है कि जो रॉकेट लॉन्चर जो आरपीजी इस हमले दे विच इस्तेमाल कीता गया उस नूं जब्त कर लिया गया है। उस नूं जब्त कीता गया है ते जो हमले दे विच आरपीजी 22 वरत्या गया ओह रशियन मेड है। जानकारी है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए 3 आरपीजी पंजाब भेजे ने ते हजे भी 2 आरपीजी ते 2 रॉकेट लॉन्चर पंजाब दे अतवादी स्लीपर सेल दे कोल मौजूद ने। सो लगातार सरहदी मुद्दे असी चुकदे आए हां। भारत पाकिस्तान सरहद का मुद्दा चुकदे आ जदों ड्रोनां राही तस्करी हुंदी है। लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतां करदा है। नशे की तस्करी के नाल नाल हथियारों की तस्करी भी की जा रही है ते यही नतीजा ते यही खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान ने ड्रोन दे जरिए 3 आरपीजी पंजाब दे विच भेजे ने जिस दे नाल तरनतारन जिहा हमले नूं अंजाम दिता गया। सो वड्डा हमला तरनतारन दे विच आरपीजी हमला कीता गया सी। बीते दिन हरी के पतन सतलुज दे विच आरपीजी नूं डिफ्यूज कीता गया ते असीं तस्वीरां दिखाईआं कि किन्ना भयानक इह धमाका सी। जेकर इह धमाका थाने दे अंदर सांझ केंद्र दे विच हुंदा ते वड्डा जानी नुकसान हो सकदा सी। सुन पूरे मामले दे विच सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो आरपीजी लॉन्चर हमले दे विच वरत्या गया उस नूं कब्जे दे विच लै लिया गया ते रशियन मेड आरपीजी 22 दा इस्तेमाल कीता गया। पाकिस्तान दा हाथ दस्या गया पूरे दहशतगर्दी हमले दे विच। तां जदों इह हमला होया मौके ते डीजीपी गौरव यादव पहुंचे सन तां उदों भी उन्होंने कहा कि गवांडी मुल्क पाकिस्तान दा हाथ है पूरे हमले दे विच ते जे हुण खबर सच है तां साफ हो चुक्या है कि पाकिस्तान ने इस पूरी वारदात नूं अंजाम दित्ता है। पाकिस्तान ने ड्रोनां राही हथियार भेजिया, रॉकेट भेजिया, आरपीजी भेजिया जिस दे नाल पाकिस्तान दे विच बैठे दहशतगर्द ने जो पंजाब दे विच अपने गुरगे भेजे ने छड्डे होए ने उन्हां दे वल्लों इस पूरे हमले नूं अंजाम दित्ता गया। सो लगातार पंजाब दी सुरक्षा दाते लगी हुई है। बेशक साड़ी पंजाब पुलिस एक्शन मोड दे विच है, मुस्तैद है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है पर जो सरहदी इलाका है भारत पाकिस्तान जो सरहद है उतो लगातार तस्करी जारी है। नशियां दी तस्करी की जा रही है, हथियारां दी तस्करी की जा रही है। किवें रोकिया जाएगा, किवें इस भारत पाक सरहद के मुद्दे नाल नजिठिया जाएगा यह भी एक बड़ी चुनौती है। सो वड्डी खबर इस वेले दी तुहानू दस रहे हां। तरन तारण आरपीजी हमले नाल जुड़ा वड्डा अपडेट है। जानकारी दी सांझ पाउणगे साडे सहयोगी मुनीश। मुनीश इस वेले दी वड्डी खबर असीं दस रहे हां, सूत्रां दे हवाले तों खबर है की कुछ जानकारी है ते इस जानकारी दे विच किन्नी कुछ सच्चाई है। मनीष आवाज पहुंच रही है समूर तो राबता करने की कोशिश करांगे। जी जी मनीष आरपीजी हाँ। इस हमले से बचा गया है उधर जिधर रशियन मेड दिखाया जा रहा है 22 जिधर है जिधर इस्तेमाल किया गया है रशियन मेड जिधर आरपीजी सी जिधर ये दा लॉन्च है वो एनआईए ते जिधर पुलिस ने जिधर बरामद किया है कब्जे से लेता है उस तो बाद जड़ी है अगे की इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। एक और चीज दसना चाहवांगा यही आरपीजी जरा रशियन मेड 22 आरपीजी इस हमले से इस्तेमाल होया वही पुलिस हेडक्वार्टर मोहाली से जरा हमला होया सी उदो भी यही जरा आरपीजी इस्तेमाल किया गया सी। लगातार इस तरह के जेडे आरपीजी सेम जेडे मेड रशियन मेड का इस्तेमाल होना
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਨਪੁਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ 22 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਪ ਆਈ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਖੇਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਰਪੀਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁੱਲ 3 ਆਰਪੀਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋ ਆਰਪੀਜੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਪਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੀ ਮਨੀਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਰਪੀਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਪੀਜੀ 22 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 2 ਆਰਪੀਜੀ ਤੇ 2 ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ